दोस्तों, जब भी बात होती है मम्मी की तो हमारे दिल और दिमाग में एक सुन्न सा छाने लगता है। उसका कारण यह है कि जैसे ही मम्मी किसी ने बोला नहीं की, हमारे दिमाग में एक डेड बॉडी सी आ जाती है सामने और ऐसा लगता है कि उसके चारों तरफ सफेद पट्टियों से उसे लपेटा गया है, या फिर बहुत ज्यादा इससे हटके इजिप्ट के पिरामिड हमारे दिमाग में आने लगते हैं। दरअसल अभी हाल ही के न्यूज में ऐसा ही हुआ। इजिप्ट के अंदर आर्कियोलॉजिकल सर्वे में एक डॉक्टर हैं जिनका नाम है डॉक्टर हावास, उनके द्वारा खनन में कुछ ममीज पाई गई हैं। अब ये जब ममीज पाई गई तो उनमें से जितनी भी ममीज हैं उनका ये दावा है कि एक ममी इजिप्ट के प्राचीन काल में 18वीं डायनेस्टी में सबसे कम उम्र की रानी हुआ करती थी जिनका नाम था रानी नेफेतिति। ये रानी नेफेतिति का स्टैचू बनाया गया है जो कि इस टाइम पर जर्मनी की कैपिटल बर्लिन में स्थित है, और इसके अलावा इनसे जुड़ा हुआ ये चित्र भी बर्लिन में ही इस टाइम पर स्थित। अब सवाल ये उठता है कि अगर न्यूज में रानी नेफेतिति आ गई है तो फिर उसमें ऐसा इंपॉर्टेंट क्या है? देखिए, है क्या कि रानी नेफेतिति इजिप्ट के प्राचीन कालीन इतिहास में बहुत बड़ी जगह रखती है। वहां के इतिहासकारों ने रानी नेफेतिति के बारे में काफी कुछ लिख रखा है। जैसे कि वहां के इतिहासकारों का लिखना है कि वहां के जो उस टाइम पर 18वीं डायनेस्टी के जो शासक हुआ करते थे, ये उनकी सबसे कम उम्र की रानी थी और इजिप्ट के पूरे इतिहास में भी तख्त पर बैठने वाली सबसे कम उम्र की रानी थी। पहली चीज, इनकी सुंदरता का वहां पर हर कोई कायल था। इन्होंने 1370 बिफोर क्राइस्ट से लेकर 1330 बिफोर क्राइस्ट तक वहां पर शासन भी किया है। इनके टाइम पर एक सबसे बड़ा बदलाव किया गया, जब रानी नेफेतिति ने गद्दी संभाली इजिप्ट की 18वीं डायनेस्टी के अंदर, तो उस टाइम पर वहां पर कई सारे देवी देवताओं की पूजा करी जाती थी। लेकिन रानी नेफेतिति ने क्या कहा कि आज से इन सभी देवी देवताओं की पूजा बंद, मतलब हम मल्टीपल गॉड गॉडेस को हम नहीं पूजेंगे, उनकी वर्शिप नहीं करेंगे, हम सिर्फ एक देवता को मानेंगे जो कि हमारे जीवन में प्रकाश उत्पन्न करता है, और वो है सूर्य देवता। सूर्य देवता को इजिप्ट में गॉड एटम के नाम से जाना गया, ATEM। तो इनके द्वारा ये चीज वहां पर शुरू करी गई कि डिफरेंट डिफरेंट टाइप के देवी देवताओं की वर्शिप बंद हो गई और सिर्फ एक ही देवता को पूजा जाने लगा, और वो है गॉड सन या फिर गॉड एटम के नाम से आप उन्हें जान सकते हो। ये जो पिक्चर आप देख रहे हो ये इस टाइम पर बर्लिन के अंदर है। इस पिक्चर में क्वीन नेफेतिति को ही दिखाया गया है। यहां पर अगर आप देखोगे तो आपको दिख रहा होगा कि एक रानी बनाई गई है जो कि इसी तरीके का मुकुट लगाए हुए है, और इनके हाथ में आप देख सकते हो एक बेबी है। इसके अलावा इनके सामने भी एक रानी बैठी हुई है, हो सकता है ये इनकी सिस्टर हो, और इनके भी हाथ में क्या है, एक बेबी है। साथ में इस पिक्चर में सबसे ज्यादा अच्छे तरीके से और बड़े तरीके से जो प्रोजेक्ट किया गया है ये गॉड एटम को किया गया है, मतलब सूर्य देवता को रिप्रेजेंट किया गया है। तो अगर वो मम्मी रानी नेफेतिति की होती है तो ये इजिप्ट के इतिहास में एक बहुत बड़ी बात हो जाएगी और उनके लिए एक बहुत बड़ा शोध का विषय भी बन जाएगा। इतिहास के बहुत सारे ऐसे पन्ने भी खुल जाएंगे जिनके बारे में इजिप्ट के कई सारी सरकारों ने बहुत कुछ करने की कोशिश करी लेकिन वो पन्ने नहीं खुल पाए। फिलहाल ये तो बात हो गई अभी करंट न्यूज की। अब बात आते हैं मेन मुद्दे पर कि किस तरीके से आखिर होती क्या है ऐसी टेक्निक कि इन ममीज को हजारों साल तक सुरक्षित बना के रखा जाता है। दरअसल अगर प्राचीन कालीन इजिप्ट की हम बात करें तो वहां पर ममी पहली बार बनाई नहीं गई थी। पहली ममी जो थी वो एक्सीडेंटली बन गई थी, किसी की मृत्यु हुई और वो व्यक्ति वहीं पर वहां के रेगिस्तान के नीचे दब गया। अब इजिप्ट एक ऐसा देश है जहां पर बारिश ना के बराबर होती है और तापमान बहुत ज्यादा रहता है और गर्म हवाएं चलती हैं चारों तरफ। अब ऐसे में क्या हुआ कि अगर वो डेड बॉडी रेगिस्तान में थोड़ी सी रेत के नीचे अगर दब गई है तो गर्म हवाओं के चलते और तापमान इतना ज्यादा हो जाने की वजह से जो उस डेड बॉडी के अंदर नमी है वो बहुत जल्दी सूख गई। कुछ टाइम के बाद वो डेड बॉडी लोगों को मिली और वो बिल्कुल सूखी अवस्था में मिली। डेड बॉडी में जब बैक्टीरियाज ही नहीं रहे तो जाहिर सी बात है उस डेड बॉडी के खत्म होने या डीकंपोज होने के चांसेस पूरे तरीके से खत्म हो गए। एक चीज आप हमेशा ध्यान रखिए, हमारे शरीर के अंदर भी बैक्टीरियाज हैं। जैसे कि अगर हम बात करें तो हमारे पूरे डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर बैक्टीरियाज हैं। ये बैक्टीरियाज क्या करते हैं, जो भी हम खाना खाते हैं उन्हें पचाने का काम करते हैं। लेकिन दरअसल खाना पचता कैसे है, आप जिस फॉर्म में खाना खाते हो उसको ये धीमे धीमे ब्रेक करना चालू करते हैं। जैसे आप जितना भी फैट खाते हो, कार्बोहाइड्रेट खाते हो, ये सारे बैक्टीरियाज उसे धीमे धीमे क्या करते हैं, कट करना शुरू करते हैं। अब ऐसे में आपको एक चीज पता लगती है कि जहां पर भी बैक्टीरियाज होंगे वहां पर वो चीज धीमे धीमे ब्रेक होने लगेगी। इसी तरीके से कोई डेड बॉडी होती है, अगर आप किसी भी डेड बॉडी को खुले में छोड़ दो तो वहां पर अगर ऑक्सीजन और नमी
ये दो चीजें उस डेड बॉडी के कॉन्टेक्ट में आती है तो बैक्टीरिया धीमे धीमे और ज्यादा पनपने लगते हैं और ये अपना काम बखूबी निभाते हैं। ये धीमे धीमे करके पूरी लाश को खा जाते हैं। कुछ टाइम के बाद उस लाश में सिर्फ हड्डियां बसती हैं और एक सर्टेन टाइम के बाद, मतलब अगर आप सालों बाद देखो तो वहां पर हड्डियां भी नहीं बचेंगी। तो इससे यह चीज निश्चित होती है कि जहां पर भी बैक्टीरियाज हैं वहां पर नमी और ऑक्सीजन है तो बैक्टीरिया पनप जाएंगे। लेकिन अगर इन्हीं दोनों चीजों की मात्रा अगर हटा दो, ना ही ऑक्सीजन हो वहां पर और ना ही वहां पर नमी हो, उस केस में ये बैक्टीरिया सर्वाइव नहीं कर पाते हैं और बैक्टीरियाज भी मर जाते हैं। और जब अगर बैक्टीरिया मर गए किसी डेड बॉडी के अंदर तो जाहिर सी बात है वो डेड बॉडी सर्वाइव कर जाएगी। कोई व्यक्ति किसी ग्लेशियर में है और वहां पर मान लीजिए उसकी मृत्यु हो जाती है और वो बर्फ के नीचे दब जाता है, अब ना ही उसे वहां पर इतनी ऊंचाई में ऑक्सीजन मिल रही है और क्योंकि ऊंचाई में ग्लेशियर्स हैं तो वहां पर सूखी हवाएं चलती हैं और ड्राई विंड होने की वजह से नमी मिलेगी नहीं। हमेशा ध्यान रखिएगा, नमी या मॉइस्चर वहां की हवाओं में होगी जहां पर गर्मी होगी, ठीक है। तो ऐसे में आप देखते हो कि कई सारे सालों तक वो डेड बॉडी वैसी की वैसी दबी रहती है और जब वो मिल जाती है तो हम लोग उसे क्या बोलते हैं, मम्मी बोलते हैं। ये भी एक तरीके की मम्मी है। ममीज दो तरीके की होती है, एक तो नेचुरल मम्मी होती है और दूसरी होती है आर्टिफिशियल मम्मी। तो इजिप्ट के अंदर जब पहला केस हुआ था ऐसा तो वो नेचुरल मम्मी थी, लेकिन जब लोगों ने देखा कि अरे ये तो हमारे इतिहास का एक इंपॉर्टेंट पर्सन है तो लोगों ने क्या किया, उसको प्रिजर्व करके रख लिया। लोगों का कहना था कि हम इसे सेम ऐसे ही रख लेंगे, ये ईश्वर का वरदान है। लेकिन हाँ, फिर लोगों का वहां पर दिमाग चला और वहां के जो चिकित्सक हुआ करते थे उन्होंने अपना थोड़ा थोड़ा ब्रेन यूज करना शुरू किया एंड दे हैव डिसाइडेड कि अब वो आर्टिफिशियल ममीज बनाएंगे। अब वहां पर एक नया दौर शुरू हो गया ममीज बनाने का। जब भी किसी की मृत्यु होती तो लोग उसे ममी में कन्वर्ट कराते। इसके लिए इजिप्ट के प्राचीन कालीन इतिहास में कई सारे स्पेशल पुजारी भी हुआ करते थे। जब किसी की मृत्यु हो जाती थी उसके बाद उस डेड बॉडी को उन पुजारी के पास लाया जाता था और वो पुजारी थोड़ी बहुत चिकित्सा की भी नॉलेज रखा करते थे और वो सबसे पहले क्या करते थे, दिमाग से शुरू करते थे। ऊपर से सबसे पहले ब्रेन को निकाला जाता था, लेकिन ब्रेन को सर से काट के नहीं या किसी तरीके से नहीं, मुंह और नाक में चम्मच जैसी चीजें डालकर या हुक जैसी चीजें डालकर ऊपर से ब्रेन को निकाल लिया जाता था। क्योंकि जाहिर सी बात है इस वाले हिस्से पर जो नमी है अंदर या मॉइस्चर जितना भी है वो ब्रेन में ही होगा। उसके बाद आती है मेन बात नीचे की, तो सबसे ज्यादा बैक्टीरियाज या नमी जो है वो कहां पर है, वो है हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में। उसके बाद पेट में एक बड़ा सा कट लगाकर अंदर से जितनी भी इंटेस्टाइन वगैरह हैं, जितने भी बॉडी पार्ट्स हैं, उन सबको निकाल लिया जाता था। दिल को छोड़ दिया जाता था। यह चीज ध्यान रखिए कि इजिप्ट के इतिहास में इतिहासकारों का यह मानना है कि वो हमेशा सदा सर्वदा यह मानते आए हैं कि इंसान के बॉडी में सबसे ज्यादा अगर हॉली या पवित्र चीज कुछ है तो वो उसका हार्ट है या दिल है। इस वजह से बस दिल को छोड़ दिया जाता था। अब देखिए, ये तो बात हो गई कि सारे जितने भी ऑर्गन्स हैं ब्रेन और डाइजेस्टिव सिस्टम के वो निकाल लिए गए। इनको निकालने के बाद उस पूरी डेड बॉडी को अच्छे से साफ कर लिया जाता था, धुल लिया जाता था और धुलने के बाद उसके अंदर नाइट्रेट डाला जाता था। अब ये नाइट्रेट क्या होता है, नाइट्रेट एक तरीके का नमक होता है, सॉल्ट होता है, जो कि बहुत तेजी से नमी को सोखने का काम करता है। पूरी डेड बॉडी के अंदर नाइट्रेट के पैकेट्स भर दिए जाते थे और इससे क्या होता था, वो बहुत जल्दी कुछ दिनों के अंदर क्या करता था, सारी नमी उसकी सोख लेता था। अब डेड बॉडी पूरी सूख गई है, नाइट्रेट को झाड़ लिया जाता है पूरी डेड बॉडी से और उसके बाद उसमें लेनिन कपड़े का यूज किया जाता है। जी हाँ, आज की डेट में लेनिन को लोग बहुत नया समझते हैं यहां पर और सोचते हैं कि मैं लेनिन की शर्ट पहन रहा हूं, इतने हजार की शर्ट पहन रहा हूं। लेकिन लेनिन का जो प्रचलन है वो इजिप्ट के इतिहास से बहुत ज्यादा कनेक्टेड है। इजिप्ट में प्राचीन काल से ही ये यूज हो रहा है। लेनिन का कपड़ा इस पे बांध दिया जाता है। उसकी खास बात यह है कि ये कपड़ा बहुत जल्दी सूख जाता है। अगर उसमें नमी आ भी गई तो जैसे ही हल्का सा गर्म हवा का प्रवाह चलेगा वो तुरंत सूख जाएगा। इस वजह से वो नमी को पनपने नहीं देता है। और तब उसमें रेजिन का यूज कर करके उसको पूरे पट्टियों से ढका जाता था। रेजिन का मतलब समझते हैं, गोंद, जो कि चिपचिपा होता है और पेड़ से हमें मिलता है, सफेद रंग का होता है। तो रेजिन का यूज करके वो लेनिन की पट्टियां पूरी डेड बॉडी में इस तरीके से बांध दी जाती थी और तब जाकर एक मम्मी तैयार होती थी। मतलब कहने का यह है कि जब इसे दफनाने जा रहे हैं तब ये मम्मी है, लेकिन इसके साथ जितने भी इसके ऑर्गन हैं उन सारे ऑर्गन्स को भी इनके साथ दफनाया जाता था। ये पूरी वो प्रक्रिया है जो कि मम्मी बनाने के लिए यूज करी जाती थी। और उसके बाद 2000 साल तक इजिप्ट के अंदर एक ऐसा दौर चला ताबड़तोड़ तरीके से जिसमें हर कोई मम्मी बनवा रहा है। किसी के भी घर में कोई भी मौत हो रही है, मृत्यु हो रही है,
आदमी मम्मी बनवा रहा है उसकी। तभी आज की डेट में इजिप्ट के अंदर पिरामिड्स के अंदर जो ममीज रखी गई हैं, वो ऐसे लोग हैं जिन्होंने इजिप्ट के इतिहास में कोई बहुत बड़ी उपलब्धि हासिल करी है। एक सवाल और बनता है कि इन ममीज को पिरामिडों में ही क्यों रखा जाता है। तो इजिप्ट के लोगों का यह मानना है कि ये पिरामिड उनके लिए हॉली है। उनका कहना है कि पिरामिड का जो शेप है ये ऐसा है कि इसमें हर एक कोण समान होता है, इस वजह से इन ममीज को इनके अंदर रखा जाता है। एक फैक्ट और है, जब ममीज को हमेशा दफन किया जाता है तो वो जगह मार्क कर ली जाती है। ये चीज उन्हें पता होती है कि कहां पर किस ममी को दफन किया है। आने वाले टाइम में जैसे कि मान लीजिए उस व्यक्ति की मौत हुई और उसके बाद उसका एक पालतू कुत्ता था, उसकी मौत 2 साल बाद हुई, तो उस पालतू कुत्ते की भी ममी बनाकर उस व्यक्ति के साथ वहीं पर दफना दी जाती थी। तो वहां पर यह प्रचलन है, लोगों का मानना है कि इंसान का जो जीवन है उसके मरने के बाद भी उसकी यात्रा जारी रहती है। इस वजह से उनकी ये मान्यता है कि उसके बाद जब उन्हें दफना दिया जाता है तो उनके साथ जितनी भी उनकी प्रेम पूर्वक या फिर उनकी पसंदीदा चीजें हैं या उनके पसंदीदा लोग हैं, उन सभी को भी उनके साथ दफनाया जाए, क्योंकि वो एक अपनी जर्नी पर है मरने के बाद। राजस्थान के अंदर 113 साल पुराना एक अल्बर्ट हॉल म्यूजियम है, उसमें 2020 का एक इंसिडेंस है। 14 अगस्त 2020 के दिन वहां पर ताबड़तोड़ बारिश होती है। बारिश होने की वजह से इस म्यूजियम के बेसमेंट के अंदर खूब सारा पानी भर जाता है, जिसकी वजह से वहां पर रखे हुए बहुत प्राचीन काल के नक्शे और भी कई सारी चीजें खराब हो जाती हैं। लेकिन 2400 साल पुरानी एक ममी भी वहां पर मौजूद थी, उसको सुरक्षित निकाल लिया जाता है। दरअसल ये वो ममी है जिसको राजस्थान के महाराजा को गिफ्ट किया गया था इजिप्ट के कायरो से, वो आज भी अल्बर्ट हॉल म्यूजियम में मौजूद है। इसी तरीके की एक ममी कोलकाता म्यूजियम में भी स्थित है। तो आज के बाद अगर आपके सामने कोई ममी नाम लेता है तो वो सफेद पट्टियों वाला जिक्र आए हमेशा, ऐसा जरूरी नहीं है, क्योंकि ममी दो तरीके की होती है, एक नेचुरल ममी और दूसरा आर्टिफिशियल ममी। कैसा लगा ये वीडियो कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइए, और जिनको नहीं पता है उनको भी शेयर करिए। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे, टेक केयर, बाय बाय। आपका दिन मंगलमय हो।